हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेवलर्स टाउन। थंबनेल देख के तो आपको पता लग ही गया होगा कि आज मैं कहाँ जा रहा हूँ। अभी मेरे फ्रेंड को एक पेट्रोल डलवाना है, उसने रात में फिल नहीं करवाया था। देखते हैं अब कहाँ मिले पेट्रोल। पेट्रोल डलवा के रेप लगातार चलते रहेंगे फिर। अरे मिल जाएगा। मैं इसको बोल रहा था, ये भी आ गए थे पेट्रोल। वही था यार। अभी बस थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी, अब आगे चल के कुछ रुकते हैं यार खाने के लिए। तो यहीं रुकते हैं। बंद लग रहा है यार वो तो। हैं? अरे ये तो बंद लग रहा है क्या? खुला है। चलो कुछ खाते हैं। जयपुर 37 किलोमीटर है। कैसे कैसे है यार, अचानक ही मोड़ते गाड़ी। अभी हम अजमेर गेट आ गए। सीधा सीधा बिल्कुल सीधा ही चलना, कहीं नहीं मैंने, बिल्कुल सीधा ही। ये यहाँ पुराने कुछ किले वगैरह महल टाइप के बने हुए हैं। इधर राइट साइड में इसके ऊपर एक जो टनल भी है, अभी कुछ साल ही हुए उसको बने हुए। यहाँ
वहाँ पे अगर बारिश आई थी तो इतना पानी हो गया था फुल ऊपर तक। अभी हम जयपुर से निकल गए, ये दौसा आगरा वाला हाईवे है। पहाड़ देखो यार कितने मस्त लग रहे हैं। यहाँ आगे और भी रास्ते मिलेंगे बहुत, यही तो नजारे हैं यहाँ के सारे। तोसा अब आने वाला है, यहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर और है। इसके बाद आगे से लेफ्ट लेना है। ये सामने जो आप ब्रिज देख रहे हैं वो आगरा और भरतपुर वाला हाईवे है, ये भी अभी नया बना है थोड़े टाइम पहले ही। ताकि पूरे रास्ते रोड है, एक नंबर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इतनी ऑफ रोड की अब इस बार कहीं नहीं था। गूगल ने फंसा दिया, पर हम ज्यादा आगे नहीं गए। सुनते थे अभी गूगल मैप पर तो 36 किलोमीटर बता रहा है। नजारे देखो यार, दोनों तरफ खेत हैं। सुबह सुबह का टाइम इतना मस्त लगता है तो क्या बोलूं मैं। अगर तुम एंजॉय करो, काफी टाइम तो सोच रहा था भानगढ़ से ब्लॉग बनाने का, से मुलाकात हुई, पूरी प्लानिंग करी, उसके बाद हम सुबह निकल गए 4:30 बजे करीब। अभी बजे हैं करीब 10:30 बजे बजे हैं, आराम से रुकते रुकते आ रहे थे। टाइम पास करते हैं। अभी तक का हम बस पूरा रोड एकदम मस्त मिला, कहीं कुछ नहीं है, एकदम मस्त पूरा मक्खन रोड। गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा था। आगे देखते हैं आगे कैसा है रोड। फोटो लगाएंगे तो आते हैं फोटो लेते हैं। से लेफ्ट में भानगढ़ है, करीब 2 किलोमीटर है यहाँ से भानगढ़। तो 2 किलोमीटर बिल्कुल स्ट्रेट रोड है। भानगढ़ यहीं
गाड़ी पार्किंग पर लगाते हैं फिर निकलते हैं। ये आपके सामने जो है भानगढ़ है, अब चलते हैं अंदर। काफी टाइम बाद आया मैं यहाँ पे, पहले एक बार आया था जब तो अंदर से टिकट दे रहे थे, अब यहाँ ऑनलाइन सिस्टम कर रखा है, ऑनलाइन ही टिकट लेना पड़ेगा। ये यहाँ पे हनुमान जी का बहुत प्राचीन मंदिर है। अब आगे चलते हैं, ये भानगढ़ का पूरा मैप है यहाँ पे। पूरी रात अंदर कोई भी अलाव नहीं होता है, अगर पॉसिबल हुआ तो कभी रात में ट्राई करेंगे रुकने का। कोरोना के कारण इतनी भीड़ भी नहीं है यहाँ पे। एक और शील्ड, यहाँ की सारी बिल्डिंग टूटी हुई है, रात में इसी कारण डर लगता होगा लोगों को। हर गांव में कोई ना कोई अफवाह उड़ाता ही रहता है, यहाँ भी उड़ी होगी। चलते हैं आप आगे, यहाँ ज्यादातर आसपास के लोग ही हैं। ये जो सामने खंडर से दिख रहे हैं, ये चूड़ी मार्केट है यहाँ का, उस जमाने का। पूरा खत्म हो चुका है आई थिंक, तो थोड़ा बहुत वापस बनाया है। पूरे खंडर बन गए हैं ये देख। ये सारे बंदर बैठे हैं, यहाँ रात के टाइम तो डर तो लगे यार। एक बात तो है, ये कैसा खतरनाक लग रहा है। धूप से बचाव करते हुए चलते हैं आगे गेट पे। ये यहीं से थोड़ी दूरी पे गेट है इसका, शाम को 6 बजे करीब इसको बंद कर देते हैं।
चलो अंदर चलते हैं। ये सामने ही भानगढ़ का पूरा किला है। भानगढ़ की हमने काफ़ी कहानियाँ सुनी हैं और लोगों के मुताबिक ये इंडिया की सबसे डरावनी जगह है। यहाँ सूरज ढलने के बाद अंदर जाना कानूनन मना है। कहते हैं कि इस किले में राजकुमारी रत्नावती रहती थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक की जाती थी। किले के पास एक सिन्हाई नाम का तांत्रिक रहता था जो राजकुमारी की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया था और वो किसी भी कीमत पर राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। एक बार राजकुमारी अपने दोस्तों के साथ बाजार में इत्र खरीदने के लिए निकली। उस तांत्रिक ने यह देखा, काले जादू की मदद से ऐसा कुछ मिलाया कि राजकुमारी उसके वश में हो जाती। फिर किसी नगरवासी को इसकी भनक लग गई तो उसने जाके राजकुमारी को सब बता दिया। तो राजकुमारी ने वो इत्र महल के बाहर फेंक दिया जो एक चट्टान पर जा गिरा। फिर वो चट्टान उस तांत्रिक के पास खींची भी चली गई और वो तांत्रिक उसके नीचे दब के मर गया। और उसने जाते जाते एक श्राप दिया कि पूरा भानगढ़ ख़त्म हो जाएगा, अगर कोई भी रुकेगा तो वो बचेगा नहीं यहाँ पे। उसके कुछ ही दिनों बाद मुगल योद्धाओं ने भानगढ़ में घुस के उस पर कब्जा कर लिया और उस लड़ाई में करीब 10,000 लोग मारे गए और रानी रत्नावती को भी अब उनके कमरे में जाके मार दिया। कहानियों की माने तो आज भी यहाँ पे उन लोगों की आत्माएं घूमती है और सूरज ढलने के बाद जो भी रुकता है वो कभी वापस नहीं आया है। चलो किले के अंदर चलते हैं। ये सामने जो देख रहे हैं, सामने पूरा किला है। यहीं पे ये रानी रत्नावती रहती थी। इस कमरे में एंटर हुए थे, इतनी गंदी स्मेल आ रही थी कि वॉमिटिंग जैसा हो रहा था। अभी सामने ऊपर चलते हैं अपन। कमरा बहुत गंदा था यार, वहाँ पे चमगादड़ वगैरह बहुत थी और कुछ अजीब भी लग रहा था बहुत ज़्यादा। ये जगह सबसे मस्त लगती है यार, यहाँ का नज़ारा देखो, पूरा भानगढ़ दिखता है यहाँ से। यहाँ पे काफ़ी बंदर हैं। अब ये सामने अपन शिव टेंपल की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पे एक पानी का कुंड भी है, उसके अंदर बहुत सारे सांप वगैरह हैं, सांप और भी जानवर हैं। चलते हैं आगे। ये वो कुंड है, यहाँ पर नहाना भी अलाउ नहीं है, प्राकृतिक जल कुंड। पानी कितना गंदा है यार, नहीं पानी का कोई सोर्स दिख रहा है, आई थिंक ये जमा हुआ पानी है। ये सोमेश्वर मंदिर है, ये शिव जी का मंदिर है, बहुत पुराना है, ये भी उसी टाइम का है और अभी भी पूरी
बेस्ट, सबसे बेस्ट हालत में ये मंदिर है। यहाँ पर नंदी और शिव जी की वो शिवलिंग है। ये बहुत पुराने हैं। ये देखो इसको ओपन नहीं करते हैं। ये सामने अपन एक और मंदिर चल रहे हैं जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था। इसके अंदर देखते हैं। यहाँ पे बस इसी उसी मंदिर में एक मूर्ति थी, बस इसमें नहीं है, इसमें कोई मूर्ति नहीं है मंदिर में। चल रहे हैं धीरे धीरे। ये जो सामने आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, यहाँ पे करण और जो मूवी की भी शूटिंग हुई है। ये मंदिर काफी खूबसूरत है दिखने में। पर अंदर कोई मूर्ति नहीं है यहाँ पे। ये पता नहीं मूर्ति क्यों नहीं है इस मंदिर में यार। ये सामने जो देख रहे हैं वो हवन कुंड बना रखा है इसको। ऊपर की नक्काशी देखो। अब हम वापस अपने घर के लिए निकल गए हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और जाते जाते घंटे का बटन जरूर दबा जाना।